I am coming for 7th Thumb Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. Tera ishq hai zeh-e-naseeb. Ab befikr rahiye baba. मैं उससे स्टैम्प पेपर पे साइन कराने के बाद ही शादी करूंगी। ये रिश्ता मुमकिन नहीं। बेहतर यही होगा कि वो गौहर को भूल जाए। मैं भी नहीं चाहता कि इस मामले को लेकर बात तल्ख कलामी या फिर झगड़े तक जाए। मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बे इंतहा। तो भाई गौहर के बारे में क्यों सोच रहे थे? मजाक समझ के रखा है क्या? चार पैसे मुंह में मार के रिश्ता खराब कर दिया। अरे मेरे लाश से गुजरने के बाद रिश्ता खत्म होगा। पर चूर की दुकान से चीनी पत्ती खरीद कर लेकर गए थे क्या है? जो इस्तेमाल करने पर वापस कर दिया। देख लूंगा मैं उन सबको। अरे रुक ना बेटा, रुक। मैं हूं ना बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है, मैं बात करूंगी ना खुर्शीद भाई से। देख बेटा इतने गुस्से में जा रहा है, कुछ करना बैठना। छोड़ अम्मा, अरे तुझसे कुछ ना होगा। ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। और तू भी अब्बा पैसे फौरन ले ले। अरे उसने स्लिप के मुंह में दे भरना था। ये शादी है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये। मेरे बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने उसको रोका नहीं, मैं तो उसके कदमों में गिरने को तैयार था। आई समझ? हजार मिन्नतें की के मुन्ना नहीं मानेगा, रिश्ता मत तोड़ो। मैंने तो कहा रकम भी सारी तुम रख लो। स्टाम्प पेपर उसके हाथ में थमा दिया कि यकीन ना आए तो अपने पास रख लो, लेकिन मुन्ने का दिल मत तोड़ो। पर वो सलीम तो पता नहीं किस काठी का बना हुआ है, वो तो हाथ ही रखने देता। आज उसने तेरे बाप की दिल खोल के बेइज्जती खराब की है। पैसे यूं निकाल के मुंह पे मारे तेरे बाप के, पीछे पीछे गया उसके कि भाई मान जा मान जा, मुन्ने का दिल मत तोड़। पर वो तो ये जा और वो जा। पैसे कहाँ? तिजोरी में। वाह देख अम्मा, रख ले तिजोरी में। सलीम अब्बा, सलीम हिसाब देगा। मैंने चूड़ियाँ पहने रखी, समझे अम्मा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस कंगले के पास इतना पैसा आया कहाँ से? मानो या ना मानो, सलीम के घर वालों ने गौहर के रिश्ते के बदले में लंबी रकम पकड़ी है। वो लड़की तो वैसे ही आपे से बाहर थी, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है वहां पे। जो भी हो, नाक तो हमारी कटी ना। नहीं अब हमारी नहीं कटी। अरे नाक उल्टी कटेगी और ऐसे कटेगी, अगर वो खुद रिश्ता ना लेकर आए ना तो मेरा नाम जहांगीर नहीं। अरे अरे मुन्ना मुन्ना मेरी बात तो सुन ले। सुनो, कोई दूसरा नाम सोच लो इसके लिए। अब रिश्ता तो मिलेगा नहीं। ये लो संभालो, और अब जो तूफान आएगा ना इसके बाद, उसको भी खुद ही संभालना। अरे इतने पैसों के लिए तो मैं किसी तूफान से भी मुकाबला कर लूं। ओ शरीफ, क्या है जहांगीर? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है मामू? है मुझे मामूला बना। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? ए मामू, अपने बेटे से पूछना, सुना है बहुत सारा पैसा आ गया तुम लोगों के पास। सुने, इसकी मुंह ना लगिएगा ज्यादा, पता है ना पूरा पागल है ये। चलो दर्शन। ए क्या शोर मचा रखा है? हाँ क्या कह रहा है ये? सुनो तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम्हारी और तुम्हारे बाप की चाल हमारे समझ में नहीं आई क्या? हा? एक दफा गौहर को भी आके ले जाएगा ना ये, कोई कर्जा वर्जा माफ नहीं करना इसने हमारा। हा? और सलीम ने बिल्कुल वही किया है जो गैरतमंद भाई को करना चाहिए। गैरतमंद भाई, गैरतमंद भाई, सही से बता कितने में सौदा करके आया अपनी बहन का? है? अरे मामू पैसे चाहिए होते तो मुझसे पूछ लिया होता ना, मैं भी लेता। अरे पहले बोली तो लगा लेते है, ऐसी नीलाम करके आया अपनी बहन को। बस जहांगीर बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, एक लफ्ज और बोला ना तो तुम्हारी जुबान खींच दूंगा मैं। खींच! अरे खींच! अरे भाई बस बहुत हो गया।
अरे अगर फ्रिज में कोई शामी कबाब पड़ा हो तो फ्राई कर दो, बहुत भूख लग रही है। अरे तुम्हें खाने ठूसने की पड़ी हुई है, तुम्हें बेटे की कोई फिक्र नहीं है, सुबह से गया हुआ है, कहीं खून खराब ना कर बैठे। ये आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है मुन्ने की माँ, ना उस घर में रिश्ता कटने ना ये दिन देखना पड़ता, अब तो जो हो सो कम है। तुम भी कुछ फिक्र कर लिया करो, सिर्फ खाना जिंदगी नहीं है कि खाने पे ही बैठ जाओ, अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि आप खाते रहो बैठ के। बस अम्मा बहुत होगी, मैं इन लालची और पागल लोगों में अपनी बहन को नहीं प्यारा, इसीलिए मैंने वो चेक कैश करा के फूफा की उनकी सारी रकम वापस कर दी है, अब हमारी गौहर आजाद है। अरे पागल हो गया क्या तू, देख रहे हैं आप मुझे बताया तक नहीं, क्या इस तरह रिश्ते बनते और टूटते। रिमवानी इतने आसानी से ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, समझी? देख मामू मैं अभी भी कह रहा हूं वही रकम वापस कर दे, और उसी दिन गौहर रुखसत होकर मेरे घर जाएगी जैसे हमने पहले तय किया था। गौहर अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, और तुम भी सीधी तरह यहां से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं तो कहती हूं अभी थाने फोन करें, 5 मिनट में मोबाइल आकर उसको उठा के ले जाएगी यहां से। वाह भाभी तुम्हारी रंग बदलने की फितरत से तो गिरगिट शर्मा जाए, नमक हरामी के इंतहा तो कोई तुमसे सीखे। भूल गए क्या? भूल गई वो हजारों जो तुमने मुझे खाए थे सिर्फ गौर से बात करवाने पर? क्या 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 रही है, है? क्या 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 रही है? हाँ? पागल पागल हो गया ये, मैं तो कहती हूँ थाने को छोड़े, पागल खाने फोन करे वो उठा के इसको ले जाए, कोई कोई पैसे नहीं लिए। पागल क्या? मैं कुछ भी कह सकता हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, याद रखना मामू अगर गौर मेरी ना हुई ना तो किसी और के काबिल छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझे गैरतमंद भाई? फकीर हो क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मैं गुलाम हूँ आ मुझे खरीद, तेरा इश्क है। पछता रही हो? अच्छा था तुम चली जाती और निकाह कर लेती, तो पछताना तो ना पड़ता। अगर चली जाती तो शायद और भी ज्यादा पछताती है। ये क्या किया बेटी तुमने? तेरी वजह से तेरी बहन की शादी रुक गई।
strange and nice. अच्छा लग रहा आपको कमरे से बाहर देख के? बैठो, नाश्ता करो. ओके. लेकिन ये तो बताइए, ये रेवोल्यूशन आया कैसे? वाकई तुम्हें नहीं मालूम? मैं तो समझी थी तुमने बुलाया है उसे. किसे? गुड मॉर्निंग सर. इस कार गुड मॉर्निंग. अच्छा अच्छा, आई थॉट आपको अभी आने में एक दो दिन लगेंगे, बट अच्छा किया, वेरी गुड. मैंने तो मामा की नाराजगी के डर से उन्हें बताया ही नहीं कि आपको बाहर जाना पड़ा था शहर से किसी फैमिली इमरजेंसी के लिए. नाराज तो मैं अब भी बहुत हूँ, इसीलिए मैं लास्ट वार्निंग दे चुकी हूँ. अगर अब ये छुट्टी करे तो बगैर मुझसे पूछे यू कैन टर्मिनेट हर. ओके. बस सुबह सुबह मिला ली है. क्या हो गया भाई, सुबह सुबह बुलाया है तुमने हम सबको यहाँ? नाश्ता करवाना होगा है, और किस लिए बुलाया है? बड़े दिल वाला है अपना यार. बकवास, यार मेरा खून उबल रहा है और तुझे नाश्ते की पड़ी है. अबे मगर हुआ क्या है, तेरा खून तो हमेशा ही उबलता रहता है. ठंडा हो जा. अब तो खून करके मेरे रगों में दौड़ता खून ठंडा होगा. क्या बात है भाई, किसका खून करना चाहता है तू? सबसे पहले गौहर का और फिर उसके घर वालों का. क्या क्या बोल रहा है तू? अपनी मंगेतर का खून करेगा? दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा. अब तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, न तुम में से किसी का मैं पहले खून कर दूंगा. सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैडम के सामने लोन का जिक्र नहीं किया. मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा थी, सोच रही थी जाने वो सुन के क्या रिएक्ट करेंगे. इट्स कम्प्लीटली फाइन मिस कार. और प्लीज, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पैसे वाली बात मत किया करें, ये बहुत बहुत मामूली है मेरे लिए. मैं जानती हूँ सर, आपके लिए मामूली, लेकिन हम जैसे कि नहीं, बात मामूली नहीं है. शायद पूरी जिंदगी भी कमाते रहें तो इतना पैसा कभी ना जोड़ पाए. लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जितना जल्द हो सकेगा मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी सर. आई प्रॉमिस. आई नो मिस कॉम, आई नो यू. थैंक्स. भाई सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करो कि उन्होंने तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए कहां से पैसे लिए हैं. मेरे गधे हो सारे के सारे. अगर गौर दोबारा नौकरी पर जाती है तो उसका सिर्फ एक मतलब है कि सलीम को या गौर को उसका सेठ पैसे दे रहा है, वहीं जहां काम करती है. कौन, वो हीरो? हाँ सही बोल रहा है तू. अरे वो उस दिन भी तेरी गौहर की हिमायत में बहुत पढ़ चढ़ कर बोल रहा था, तो मैं चुप कर गया. जरूर सलीम ने उसी के हाथ बहन का सौदा किया है, और अब ये सौदा उस बहन भाइयों को महंगा पड़ेगा. अगर गौहर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं उसे किसी लायक ना छोड़ूंगा. मगर तू करना क्या चाहता है? कुछ कुछ तो हमें भी पता चले. तेजाब, और मुझे आज चोर बाजार से एक पूरी बोतल चाहिए.
मैं उसका चेहरा इतना भयानक बना दूंगा कि सारी उम्र भाई ना देखकर चीखे मारे करेगी। क्या तू उसका चेहरा तेजाब से बिगाड़ देगा? जहांगीर से बेवफाई करने का यही सजा है। ठीक है, अब तुम्हें समीर पर अच्छी तरह से नजर रखनी होगी और पल पल की खबर मुझे दोगी। अगर जरा भी कोताही हुई तो अपने आप को इस जॉब से फारिग समझना। और आजकल तुम्हारे भी बहुत परपुर्जे निकल रहे हैं, लगामें खींच के रखनी पड़ेंगी मैडम। वो और याद रहे, ये नई चिड़िया अपने काम से काम रखे तो बेहतर है, और इसकी खबर तुम मुझे दोगी, समझी? जी जी। वो लड़की इस घर में दोबारा सिर्फ इसलिए आई है कि समीर मेरी वजह से परेशान रहता है और मुझसे उसकी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। मगर याद रहे, उस लड़की पर कड़ी नजर रखनी है। वो लड़की मुझे बहुत चालाक लगती है और मेरा समीर उतना ही मासूम। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फिर किसी सदमे से गुजरे। सुन रही हो ना? जी जी। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। जाओ। खूब जानती हूं मैं, तुम ही हो जो दिन रात पट्टियां पढ़ाती हो सलीम को। गजब खुदा का, बहन के रिश्ते की अंगूठी वापस करके आ गया और माँ बाप को कानो कान खबर तक ना होने दी। रहने दो अम्मा, रहने दो। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है तुम्हारा बेटा। और वैसे भी मेरी बात माँ नहीं होती ना, आज ये घटिया सी नौकरी छोड़ के ना हम दुबई में होते। लेकिन मेरी किस्मत में ना ये चौकियां लिखी हैं। आज मेरे भी कोई नाज़ो नखरे उठा रहा होता अम्मा। कहते हैं बहनों का ब्याह हो जाए फिर अपने बारे में सोचूंगा। तो किस्मत ही खराब है कसम से। किसको है मेरी फिक्र? हाँ, कौन है पूछने वाला मेरा? बस बस, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है भोली बानो। जानती हूं मैं, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। पहले उस जहांगीर के रिश्ते में तुम लोगों को अपना भला नजर आ रहा था और अब वो गौहर के अफसर को देखा तो राले टपकने लगी इतना पैसा देख के। मेरी बच्ची को बेच डाला तुम लोगों ने, बेच दिया है उसे। अब सारी जिंदगी उसके घर में काम करेगी और मैं बाप का कर्जा उतारती रहेगी। हाँ तो क्या बुरा किया हमने अम्मा? हाँ, और वैसे भी उजांगी से रिश्ता होने से बेहतर नहीं है मेहनत से अपने बाप का कर्जा उतारे? हाँ, और वैसे भी हाँ, सब कुछ मेरे मियाँ के ऊपर ही डालना होता है तुम लोगों ने। बेचारा दिन रात जान जलाता है तुम लोगों के लिए। पता नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा उसे माँ बाप के लिए जान जलाते हुए और ना ही कभी अपनी मर्जी से बहन के लिए कुछ लेके आते हुए। अरे इस घर में तो वो फ्रूट भी लेके आता है ना, तो लेके आता है और तुम्हारी खिदमत में पेश कर देते है चोरी छुपे लाके। हमें तो कभी उसने कानो कान खबर ना होने दी कि उसकी कमाई है कितनी और जाती कहाँ है। अम्मा अम्मा, वो जो अतलस और कमहाब के कपड़े भी लाता है ना मेरे लिए, हीरे जवाहरात, वो भी तो तुमने देखे होंगे ना। हाँ देखो अम्मा, अगर मैं कुछ और बात करूंगी ना बात बहुत आगे निकल जाएगी, तो बेहतर है ना तुम बस ये बात यहीं खत्म कर दो। बस मैं कह रही हूं बात खत्म कर दो। ये
ये पिक्चर समीर की 9th बर्थडे की है। उसके पापा ने उस रोज उसे नई रेसिंग बाइक ला कर दी थी। कितना खुश लग रहा है इस तस्वीर में, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। और यहां यहां इसने गिरकर अपनी नाक पे चोट लगा ली थी, जब ही तो मुंह फुलाए खड़ा है। मैंने ही बैंडेज की, और किसी के काबू में कब आता वो भला। इसको भी बहुत प्यारी। अच्छी तस्वीरें। एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? समीर की माँ की तस्वीर इसमें क्यों नहीं है, यही पूछना चाहोगी ना? समीर ने खुद अपने हाथों से अपनी माँ की तमाम तस्वीरें जला डाली। क्योंकि उसकी माँ एक बदचलन औरत थी और उसके पापा ने इसी वजह से उसे तलाक दी थी। I'm sorry. दुख हुआ ना सुन के, सबको होता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के बारे में सोचो जिसकी माँ इतनी सी उम्र में उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। और तभी से समीर की शख्सियत में ये बदलाव आया। मेरा मतलब है, शाम के बाद वो अकेले रहना पसंद करता है और अंधेरे से उसे डर लगने लगा था। अंधेरे से डर? लेकिन उसकी कोई खास वजह? उसकी मां अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देती थी, जहां रोशनी की एक किरण भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन ये मेरा ही दिल जानता है कि मेरा बेटा अंदर से कितना नाजुक और मासूम है। और हाँ, एक बात और जहन में रखना, समीर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता, बड़ा मान देता है मुझे। That's really good to know, sir, कि गौहर वापस आ गई है, लेकिन हमारी पुरानी गवर्नेंस भी वापस आ गई है और वो आपसे मिलना चाह रही थी। अगर आप कहें तो गौहर को ऑफिस में एडजस्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुश्किल से मामा एडजस्ट हुई हैं गौहर के साथ। आप एक काम कीजिए कि पुरानी गवर्नेंस को ऑफिस बुला लीजिए, अगर यहाँ की पोजिशन बनती है तो देख लीजिए। ओके सर। And another thing, मैंने आपसे कहा था कि कुछ एम्प्लॉयज को बोनस देना है इस महीने, उसका क्या बना? जी सर, मैंने उसका फॉलो अप ले लिया और इस महीने में जब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बोनस और इंक्रीमेंट ऐड कर दिया जाएगा। चले ठीक है, एक्सलेंट, थैंक यू। थैंक यू सर।
चाय। थैंक यू। नूरा, भला ऐसा भी क्या है बेसमेंट में जो आप मुझे जाने नहीं दे रही हैं? नीचे एक कमरा है, उसमें समीर साहब के बचपन के खिलौने हैं जो बरसों से बंद पड़ा है। आपने करना क्या है? तो अब खोल देते हैं, बरसों से बंद पड़ा है, इसमें क्या है? चाबी लाते हैं, मैं खोल देती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों अपनी और मेरी नौकरी के पीछे पड़ी नहीं है? मैडम ने सख्ती से मना किया, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता और सोच भी नहीं सकता नीचे जाने का। ला देना। आपने करना क्या है? 15 साल से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर धूल मिट्टी है, काट कबाड़ा है। अरे करेंगी क्या? तो काट कबाड़ी है ना, कोई इतनी कीमती शय थोड़ी है जो आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है। देखें गौर बीबी, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि चाबी मैडम के पास रहती हैं और मैं ये नहीं कर सकती। सो रही हैं वो, नहीं पियेंगी चाय। सुने, मैं भी नहीं पीऊंगी। जहांगीर भाई, अबे कहाँ रह गया था? तो साहब लेने गया था। जहांगीर भाई वो थी ना तो आसानी से मिल जाती, लेकिन ये, लेकिन एक बात है जहांगीर भाई, अगर 2 कतरे आप डाल दो ना इसको, पूरी बिल्डिंग जला के राख कर देगी ये। अबे बिल्डिंग को नहीं जलानी प्यारे, मेरा बस चले ना सारी दुनिया को जला कर राख कर दूं आज। पकड़ो फुट यहां से। जहांगीर भाई ये क्या है? जानी अब्बा के पास तो तू ही जाएगा ना पैसे लेने के लिए, ले लेना अभी तो फुट। इतनी छोटी सी बोतल पूरी बिल्डिंग को जला देगी, यकीन नहीं आ रहा जानी। अबे ये कौन सी बड़ी बात है, अबे चेक कर लेते। ऐसा मजाक नहीं करो दोस्तों। अरे हट तो, हट से तो मैं हट तेरी है ना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बैठो। सॉरी सर, आपको घर पे इतना तंग कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर। एक्चुअली आपको इनवाइट करना था, मेरी बहन की शादी है कुछ ही दिनों में, तो बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी उसमें शरीक हों, बल्कि मेरी फैमिली के लिए बहुत ऑनर की बात होगी सर। माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन जहाँ तक दुनिया का सवाल है तो वो इस तरह की गैदरिंग से और फंक्शन से घबराती है, उससे तुम खुद बात कर लो, क्योंकि उसे महफिलों से उलझन होती है। जी मैं, हाँ हाँ बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आया था। कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी है, सर तो हम ही भर चुके हैं, आप भी आएंगे तो मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। हाँ मैं शायद थोड़ा मसरूफ हूँ, बट आई ट्राई मेक इट। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आप आएंगी तो मेरे घर वालों को बहुत खुशी होगी। सर आपका इंतजार है कैसे? इंशाल्लाह। तो मैं चलता हूँ सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप अभी तक यहीं हैं? जी सर, वो मैडम के कुछ गेस्ट आए हुए थे, उसकी वजह से लेट हो गया है। ड्राइवर को बुखार है इसलिए घर टैक्सी लेकर आ रहा है, बस निकल ही रही थी। इस वक्त टैक्सी पर जाएंगे आप? जी नहीं नहीं, ये हरगिज मुनासिब नहीं है इस वक्त आपको अकेले जाना इस तरह। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं हरगिज नहीं, आफ्टर ऑल आप हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं, आपको घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए। जैसा आपके बारे में सुना है बिल्कुल भी वैसे नहीं, वो सारे अफसाने कहानियाँ जो आपके बारे में मशहूर है। अच्छा। और क्या है वो अफसाने? यही कि आप शाम के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलते, बहुत रूड हैं, किसी से ठीक से बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं। इसका मतलब है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था मैं अच्छा खासा फेमस। अच्छा आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? मेरा रिश्ता खत्म हो गया। Very sorry to hear that. It's okay. बस अब तो मेरी बस यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी रकम वापस लौटा दूं। एक बोझ है मेरे ऊपर। इसका और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हर चीज का हिसाब किताब रखना जरूरी नहीं होता। 12 लाख को इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके बाद इतनी फिक्र। आप फिक्र ना करें, डोंट वरी अबाउट इट। अरे आ रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ? तो कब का सो गया? तो खैरियत है? जी गोगो।
कहाँ हो? समीरा, नाराज हो क्या? देखो, उसको मैं रात को इस कदर लेट अकेला कैसे भेज सकता था? खुद सोचो, इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं थी। प्लीज नाराज ना हो, प्लीज। देखो, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। समीरा, तेरा इश्क है जहे नसीब।